सब्सक्राइब करें बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम साहिल, आप देख रहे हैं बी विस्टर जानकारी जिसमें आपका फायदा। जी हां, जानकारी जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है। जो आज की बेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा बिजनेस जिसका नाम है फास्टैग, आपको इसकी फ्रेंचाइजी या इसको इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले फास्टैग क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। फास्टैग एक ऐसा टैग है जो गाड़ियों के फ्रंट एंड पे, यानी कि जो शीशा होता है उस पर लगाया जाता है ताकि आपकी पेमेंट जो टोल टैक्स पर आप कटवाते हैं वो बिना रुके, गाड़ी के बिना रुके ही जो है वहीं से कट जाएगी। जैसे ही गाड़ी का जो जिस गाड़ी के शीशे पे जो फास्टैग लगा है उसको रीड करके, दूर से ही रीड करके जो है आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगी और इसके लिए आपको अपनी गाड़ी वहां पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सिंपल सा एक रिचार्ज होता है मोबाइल की तरह ही, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको बतानी है अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले ये सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही लागू होता है। दूसरा, एक गाड़ी पर 5 साल तक जो है फास्टैग वैलिड होगा, यानी कि 5 साल तक चलेगा। भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकता है। आरटीओ का जो एजेंट होगा उसको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो अप्लाई करता है। कार डीलर, कार डिकोर और ट्रांसपोर्ट और पीयूएस सेंटर और फ्यूलिंग स्टेशंस वगैरह और इंश्योरेंस एजेंट और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 पहिया या उससे अधिक के वाहन के लिए ये अनिवार्य है। अब समझते हैं इसके लिए किन किन चीजों की आपके पास जरूरत होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी हो, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, प्रिंटर या बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसका ऑनलाइन प्रोसीजर अप्लाई करने का। सबसे पहले हमको जाना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है दिखाई देगा जिसमें NICT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो है लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं इसके नीचे की तरफ। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर हाउ टू बिकम POS एजेंट पॉइंट ऑफ सेल। तो इसके अंदर आप नीचे देखिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए POS एजेंट सो यू नीड टू अप्लाई नाउ। तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अब ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स आपको दिखाई देंगी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फास्टैग सर्विस। तो इसके अंदर आप देखें यहां पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहले उसने बोला है फील्स विद स्टार, रेड कलर का जो स्टार है, आर मैंडेटरी, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल आउट द डिटेल्स करेक्टली। तो इसके अंदर सबसे पहले आप रेफरल टाइप सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप इनमें से जो भी आपको जिस तरीके से आपको काम करना है उसी तरीके से आप इन चारों में से जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आपकी स्टेट से है, फिर अप्लाइड फॉर कौन सी डिवीजन के लिए आपने अप्लाई किया है और फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं जम्मू एंड कश्मीर या हरियाणा, तो मैंने यहां पर ये सिलेक्ट किया, देखिए यहां पर पॉपअप आ गया। तो आप देखेंगे कि यहां पर इन चारों में से आपको कहां पर है उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप यहां सिलेक्ट करेंगे लाइट से चंडीगढ़ सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहां पर ये दिखाई देने लग जाएगा, तो यहां पर ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फिर लोकेशन एरिया जहां पर आप काम करना चाह रहे हैं वो वहां का एड्रेस, नेम ऑफ द पर्सन जो आपका नाम है, पूरा एड्रेस आपको डालना है, कॉन्टेक्ट पर्सन जो है उसका नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर सेम, ईमेल आईडी डालनी है और यहां पर ये पूछ रहा है अपलोड द प्रूफ ऑफ पेमेंट और KYC डिटेल्स। अब आपको यहां पर कोई ऐसा प्रूफ डालना है जो आपकी पेमेंट के लिए हो, मान लीजिए आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यहां पर अपलोड कर दीजिए। यहां पर जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको आई सर्टिफाई द अबव इंफॉर्मेशन और सबमिट पर क्लिक कर देना, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इस पर जो है क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको उसकी पेमेंट करनी है जो कि गवर्नमेंट की फीस है। दैट्स इट।
सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।